तो आज हस्बैंड बना रहे हलीम, हलीम बोलो या दालीम बोल दो, ये बना रहे। तो बोनलेस चिकन लिया है, पहले ऑयल और घी में ना उसको अच्छे से सॉटे किया है, फिर उसमें जो पैकेट रहता है मसाले का वो पूरा डाल दिया है चिकन में, और अच्छे से ना उसको कुक किया ऑलमोस्ट 15 to 20 minutes। तो वो कुक होने के बाद आपको पानी डालना है उसमें 15 कप, बट पहले हम लोगों ने डाला है सिर्फ 10 कप, और फिर कंसिस्टेंसी के हिसाब से हम लोगों ने और पानी ऐड कर दिया। फर्दर इन दिस वीडियो यू गोना सी दैट। तो इसमें पानी डालना है आपको अच्छे से और कुक करना है। और फिर जो गेहूँ होता है वो मैंने पानी में सोक करके रखा था, वो आपको पूरा ऐड करना है। और फिर वो हम लोगों ने प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र कर दिया, और उसमें हम लोगों ने डाल दिया फ्राइड ऑनियंस का पैकेट, हाफ ऑलमोस्ट हम लोगों ने डाल दिया था। और उसको फिर हस्बैंड ने ऑलमोस्ट 30 मिनट्स के ऊपर उसको सॉटे कर दिया, ताकि वो अच्छे से ना कुक हो जाए, और नीचे लगना नहीं चाहिए, अगर वो लग गया तो पूरा ख़त्म हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। ओके, फिर जब ये दूसरा उसमें पैकेट रहता है शान के, इसमें हलीम के, वो आपको ऐड करना है। एंड मेक श्योर यू कीप ऑन स्टरिंग इट वाइल एडिंग इट, अदरवाइज ना वो गोला बन जाएगा, अंदर लम्प्स बन जाते हैं। तो अच्छे इससे डाल दो, अच्छे से ना उसको स्टर करते रहना अंटिल इट्स ऑल डिजॉल्व इनसाइड। और उसके बाद में आपको ये धीमी आँच पर रखना है ऑलमोस्ट फॉर 25 to 30 minutes, यू नो, और वो उसी में पक जाएगा। एंड यू विल सी इट वॉज वेरी नाइस, यू नो। और हम लोगों ने हमारे फ्रेंड्स को भी दिया था ये, तो दे ऑल्सो इन्जॉयड इट। तो चलो, हलीम फाइनली हस्बैंड की ख्वाहिश पूरी हो गई, उन्होंने बना दिया और यू नो बिस्मिल्लाह बोल के खा दिया, बरकत भी हो गई माशाल्लाह से, बहुत दिन तक खा रहे थे हम लोग थोड़ा थोड़ा। और उसके बाद में मैंने क्या किया, 1 से 2 मुट्ठी यू नो अच्छे से कैशू नट्स ले लिए, उसको घी में अच्छे से ना सॉटे किया टिल इट्स टर्न गोल्डन ब्राउन, और फिर मैंने डाल दिया उसमें। बाप रे बाप, आप लोग ट्राई करना, अगर आपको ये रेसिपी पूरी डिटेल्स में चाहिए, अगेन इंशाल्लाह आई एम गोना ट्राई टू मेक दिस रेसिपी, आई कैन शेयर इट अगर किसी को यहाँ पे समझ में नहीं आया। आप देख सकते हो कितना बढ़िया लग रहा है, ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटे लगे इसको कुक होने के लिए। ओके, तो उसके बाद में देखो सब अच्छा चल रहा था, और क्या हो गया, गड़बड़ थोड़ी सी, बट होने को कोई कुछ कर नहीं सकते, सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में ही होता है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फराज व्लॉग, कैसे हैं आप सब, उम्मीद है कि सब ठीक है, और आप लोगों की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह भी सब ठीक है। तो आज है संडे, और संडे के बज रहे ऑलमोस्ट 4 बजने वाले हैं, तो लंच भी सब हो गया है बच्चों और मेरा, हम सबका, तो ऐसे ही रेस्ट कर रहे थे। कल तो स्कूल है, स्नो भी चला गया है, सेकेंड स्नो भी गिर गया, अभी सब कुछ सूख गया और चला गया, और थोड़ा सा स्ट्रेस हुआ है। सब अच्छा जा रहा था, एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, किड्स वर एंजॉयिंग। तो थोड़ा सा ना मेरी बेटी की तबीयत थोड़ा सा ख़राब हो गई सडनली, अभी 3:30 बजे, तो ही इज़ जस्ट रेस्टिंग सडनली, उसको थोड़ा सा ना इज़ लाइक मुझे थोड़ा सा है ना, थोड़ा उसका बॉडी टेम्परेचर थोड़ा मुझे लगा, तो आई थॉट ओके देखती हूँ। तो अभी उसको थोड़ा सा बुखार आया है, आई होप चला जाएगा, बट अभी डर लगता है, बच्चों को कुछ होता है ना तो थोड़ा स्ट्रेस आ जाता है। मम्मीज़ को, आई थिंक सब मम्मीज़ को वैसे ही होता होगा। तो अभी इसको मैंने मेडिसिन दिया है, आई टोल्ड हिम टू रेस्ट, आई विल सी, देन आई विल कॉल हिज डॉक्टर प्रोबेबली और समथिंग, ऐसा कुछ होगा नहीं क्योंकि घर पे ही है बच्चे। और आई थिंक वो जो इंजेक्शन दिया था ना, अभी उसको थोड़ा सा इज लाइक पेन हो रहा है हाथ में, इंजेक्शन दे के 2-3 दिन हो गए उनको, सडनली अभी बच्चे हैं, कुछ ना कुछ हो जाता है, खेलते हैं, बट आई प्रे ऐसा कुछ ना हो, ई शुड बी फाइन इंशाल्लाह, आपको भी दुआ करना बस हर बच्चे सेफ रहे, किसी के बच्चों को कुछ ना हो, क्योंकि आजकल माहौल ऐसा है कि किसी को कुछ होता है तो बहुत डर लगता है। तो आज मैंने कुकिंग भी नहीं की, हस्बैंड ने कुछ बना दिया, मैं वो शेयर करूँगी, और पता नहीं इसके आगे मैं कंटिन्यू कर पाऊँगी ब्लॉग या नहीं, बिकॉज आई प्रे दैट ही शुड गेट वेल सून, तो उसी के बाद में मैं कंटिन्यू करूँगी। ओके, तो आई विल सी, आई विल जस्ट गो टू हिम एंड गिव हिम सम मेडिसिन, और आपसे मिलती हूँ। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, मैं बिज़ी हो गई, उसी के पीछे थी, अल्हम्दुलिल्लाह ही वाज फीलिंग बेटर। तो उस दिन उसको मैंने स्कूल नहीं भेजा था, क्योंकि एज़ पर रूल यू कैन नॉट सेंड योर किड इफ़ दे हैव एनी टेम्परेचर फॉर 24 आवर्स, ही वाज विदाउट मेडिसिन, सो द नेक्स्ट डे आई सेंड हिम टू द स्कूल। तो इसी के साथ आई एम गोना एंड दिस व्लॉग, इंशाल्लाह सी यू अगेन विद अनदर व्लॉग, एंड आई होप यू ऑल आर सेफ एंड ऑल आर वैक्सीनेटेड। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।